हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो इधर बच्चे स्कूल चले गए थे सुबह, तो फिर उसके बाद फिर मुझे ये बच्चे जब स्कूल चले आते हैं तो सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर मैं इधर ये बिस्तर वगैरह सही कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड, ये मैं क्या करती हूँ, चादर पे चारों कोनों पे गांठ बांध देती हूँ, जिससे कि हमारा बेड शीट आराम से रहता है और वो फिसलता भी नहीं है। तो फ्रेंड, सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं पर जो बच्चों की मम्मियाँ होती हैं तो उन पर बहुत सारा लोड हो जाता है। तो इधर मैंने चादर वगैरह सब बिछा दिया है अच्छे से, और अब मैं अपना और भी बाकी काम है जो करूँगी, तो मुझे बाहर धुलाई वगैरह करनी है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखना अंदर घर में तो पोछा लगा लो, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो मतलब धुलाई सही रहती है। और मैं बाहर धुलाई करती हूँ, फिर पानी वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा आ जाती है। एक तो बरसात का टाइम है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा के फ्री हो गई थी, फिर मैं बच्चे भी आने वाले थे तो मैं अब रोटी बना लेती हूँ उनके लिए। तो दिन में आ जाते हैं बच्चे, तो पहले मन्नू आती है फिर अर्नव आता है, तो फिर दिन में ही मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, और सब्जी तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तो गरम गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। तो सुबह तो हल्का फुल्का हो जाता है पर दिन में तो कुछ हैवी खाना चाहिए। तो इधर मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, और मन्नू का भी आने का टाइम हो रहा है तो वो पहले आ जाती है, और आते ही सीधा उसको रोटी चाहिए, तो इसलिए मैं जल्दी बना के रख लेती हूँ उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मन्नू मेरी आ गई है, तो गाड़ी का हॉर्न लगा था तो उससे मुझे पता चल जाता कि मन्नू आ गई है, तो मैं उसके लिए उस गेट खोल देती हूँ। फ्रेंड्स, वैन में ना बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, जब भी वैन से उतरती है ना तो पूरा पसीने से भीगी रहती है, पूरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया हो उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वैन के अंदर। क्या मिला है बेटा, ये क्या है, क्या लेके आई हो स्कूल से? मन्नू बेटा, आज क्या खाओगी आप? गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन खाओगी, ठीक है, तो फिर आज मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं अब गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरा एक कटोरी खोया है, और इसमें मैं 4-5 चम्मच मैदा डाल दूँगी। अब बच्चों का मन है तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, और मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, तो ये हमें आटे की तरह गूंथना है खूब अच्छे से, और इतनी देर तक गूंथना है खूब अच्छे से जिसमें चिकनाई, मतलब जब ये चिकनाई छोड़ जाए तो तब तक हमें इसमें गूंथना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये बेकिंग पाउडर है, तो ये मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे क्या है, हमारी जो रसगुल्ले हैं ना तो वो थोड़े अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको डाल के मैं अब अच्छे से मिक्स करूंगी, इसको हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है, आप बिल्कुल अच्छा सा एक डोर बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये अच्छे से रख लिया है। अब मैं इसमें डेरी मिल्क जो चॉकलेट आती है तो उसके छोटे छोटे पीस तोड़ लूँगी, जो कि मैं इन गुलाब जामुन के अंदर भरूँगी। बहुत से लोग कई सारी चीज़ें भरते हैं, बिस्किट भरते हैं, कोई कुछ भरता है, तो ये मैं चॉकलेट भर रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और चॉकलेट भी मिल जाती है साथ में, गुलाब जामुन भी मिल जाते हैं उन लोगों को, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो अगर जैसे कि ये तब तक मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और जब तक इस आधे के बना लूँगी, क्योंकि फिर ये मेल्ट हो जाएगी, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, अगर बनाएं तो एक जैसे कि आधा आप बना लें और फिर आधी को फ्रिज में रख दें, और फिर तुरंत ही निकाल के फिर तुरंत उसको भर लें। तो मैं इसके अब अच्छे से बना लूँगी बॉल। तो देखो कितनी चिकनाई छूट रही है इसमें, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको गूँथा हुआ है, अच्छे से मसल मसल के मारा है मैंने इसको अच्छे से, तो ऐसे ही मारना है इसको। और इसमें मैं ये भर के बना रही हूँ।
खाने में तो ये बहुत टेस्टी हैं, ये एकदम से अंदर चॉकलेटी वाला स्वाद आ जाता है ना इसमें, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो धीमी आंच पे ही हम इसको सेकेंगे। तो इसमें मैं अब डाल देती हूँ ये, देखिए ये मैंने इसमें ये सारे डाल देती हूँ मैं, और इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से, मतलब ज़्यादा पलटूंगी तो इसको हल्के हल्के हाथों से ही पलटूंगी, तो हमें इस तरीके से पलटना है हल्के हल्के हाथों से। और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इस पर, तो हमें इसी तरीके से ये सेकने हैं। और इधर मेरी चाशनी बन रही है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और जो हमने अपने पहले बना के रखे हैं तो उनको भी सेक लूंगी अब मैं, तो इसको भी मुझे उसी तरीके से सेकनी है जैसे मैंने वो सेके थे। तो देखिए मैंने सेक लिए हैं, अपने रख लिए हैं, अब मैं इसको, अब मैंने अपनी चाशनी में इलायची भी डाल दी है इसमें, और ये अपने गुलाब जामुन भी इसमें डाल दिए हैं। बोलो कुछ। तो गाइस आप भी ऐसे ट्राई करना, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।